So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be discussing the summary of LLP Act 2008, which is given as LLP is a special type of partnership that can be used as business organization owned by certain type of professionals such as company secretaries, chartered accountants, cost accountant, lawyers, engineers, doctors and consultants, etc., who are not allowed to use corporation form of entity to limit their liability. एक एल पी एक ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसे मोनली मेनली स्पेशल स्पेशल प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है लाइक कंपनी सेक्रेटरीज सी ए सी एम एस लॉयर्स इंजीनियर डॉक्टर्स जो कि अदर कॉरपोरेशन फॉर्म में नहीं आते हैं अपनी सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से. एलएलपी इज जनरली सेटअप फॉर कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स कैरिंग ऑन प्रैक्टिस इन वन और मोर एलिजिबल प्रोफेशंस एक्सेट्रा. मोस्टली इसमें ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो या तो एक या एक से ज्यादा एलिजिबल प्रोफेशंस को कैरी ऑन कर रहे होते हैं. Since India has witnessed considerable growth in service sector and the quality of our professionals have been acknowledged internationally, it was necessary that entrepreneurship knowledge and risk capital combined to provide a further momentum to our impressive economic growth. यानी कि इन द रीसेंट डिकेट वी हैव सीन कि इंडिया में बहुत सारे सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है और प्रोफेशनल्स की जो क्वालिटी है हमारी कंट्री में दैट इज वेरी अप टू डेट एंड हाई तो विच हैज बीन रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली. तो ये नेसेसरी था कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए और अपने इकोनॉमी में बिजनेस को मोमेंटम देने के लिए हमें एक ऐसी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जहां पर प्रोफेशनल्स को हम इनकरेज करें बिजनेस में आने के लिए. इट इज लाइकली दैट इन द ईयर्स टू कम इंडियन प्रोफेशनल्स वुड बी प्रोवाइडिंग अकाउंटेंसी लीगल एंड वेरियस अदर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ एंटिटीज अक्रॉस द ग्लोब. और ये बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है कि आगे जाने वाले हमारे इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं वो वेरियस फील्ड्स में चाहे वो अकाउंट्स हो लीगल या फिर हमारा लॉ मेडिसिन वाला केस हो वहां पर सारे ही सेक्टर्स में अक्रॉस ग्लोब वहां पर वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे. सर सर्विसेज वुड रिक्वायर मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन दैट वुड ऑफर अ मेन्यू ऑफ सॉल्यूशंस टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स. सो जब वो एक ग्लोब अप्रोच पे ग्लोबल अप्रोच पे काम करेंगे सो वहां पर उनके बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे जहां पर उन्हें बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे. इन व्यू ऑफ ऑल दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी केम इनटू एक्जिस्टेंस. एलएलपी फ्रेमवर्क कुड बी यूज्ड फॉर मेनी enterprises. तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एलएलपी की एग्जिस्टेंस सामने आई और एलएलपी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे एंटरप्राइजेस यूज कर सकते हैं पर्सन्स यूज कर सकते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऐसे एंटरप्राइजेस जो कि जिनकी टेक्नोलॉजी और नॉलेज जो है बेसिकली अभी कॉर्पोरेट फॉर्म में सूटेड नहीं है बट अभी नई टेक्नोलॉजी है जो कि एमर्ज हुई है और प्रोफेशनल्स जो हैं वो इसको यूज कर सकते हैं जैसे कि सीए सीएमए और सीएस और एडवोकेट्स वेंचर कैपिटल फंड्स और रिस्क कैपिटल जो है अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंबाइन कर लोगों को सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे प्रोफेशनल और एंटरप्राइजेस जो कि किसी साइंटिफिक टेक्निकल या आर्टिस्टिक डिसिप्लिन में है और प्रोडक्शन डिजाइन को कैरी ऑन कर रहे हैं वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एलएलपी को चूज कर सकते हैं एज देयर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइजेस भी एलएलपी को ऑप्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए और सिमिलरली प्रोड्यूसर कंपनीज हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो इन्वॉल्व है वो भी इन सारे चीजों को इन्वॉल्व कर सकती हैं. एलएलपी हैज पार्टनर्स बट नो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर. एलएलपी में सिर्फ हमारे पार्टनर्स होते हैं कोई भी डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं होता है. जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एलएलपी के वो उसके पार्टनर्स हैं जो कि उसके अल्टीमेट ओनर्स होते हैं. नाउ द एलएलपी एक्ट 2008 इसकी एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम 31 मार्च 2009 जो कि होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है. कंटेंट्स इसमें 81 सेक्शंस हैं और 4 स्केड्यूल्स हैं. जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसमें पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स और बेनिफिट्स और एग्रीमेंट्स के बारे में लिखा गया है. सेकंड स्केड्यूल में कन्वर्जन कैसे करते हैं हम एक पार्टनरशिप फॉर्म की एलएलपी में वो पूरा प्रोसीजर मेंशन है. थर्ड स्केड्यूल में हम कैसे प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं वो प्रोसीजर मेंशन है और फोर्थ स्केड्यूल में कैसे हम एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट होल प्रोसीजर इज मेंशन इन द फोर्थ स्केड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट 2008. Now, non-applicability of the Indian Partnership. यहाँ पे जो हमारे Indian Partnership Act 1932 है, वो LLPs पे applicable नहीं है. ये एक नई फॉर्म है लीगल बिजनेस एंटिटी की जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी है. ये एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जिसे लोग चूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए. यहाँ पर पार्टनर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एलएलपी अपने एसेट्स के हिसाब तक ही पूरी लायबल है और जो लायबिलिटी है पार्टनर्स और एलएलपी की वो अलग अलग है और पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट विच दे हैव मेंशन इन देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट. नाउ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो यहाँ पे मेंशन थी वो थी बॉडी कॉर्पोरेट की. बॉडी कॉर्पोरेट में ऐसी कोई कंपनी जिसमें एलएलपी है फॉरेन एलएलपी या फॉरेन कंपनीज में इंक्लूड होती है लेकिन इसमें कॉर्पोरेशन सोल कॉपरेटिव सोसाइटी या फिर ऐसी कोई कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड नहीं होगी जो कि सीजी नोटिफाई करे. बिजनेस में हमारी हर एक ट्रेड प्रोफेशनल सर्विस ऑक्यूपेशन आ जाता है लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं आएगी जो सीजी स्पेसिफाई करेगी. डेजिग्नेटेड पार्टनर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है जो एज पर सेक्शन 7 मेंशन है एलएलपी एलएलपी एक्ट 2008 में. नाउ एंटिटी कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो
की पार्टनरशिप फर्म है या फिर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाया गया है उसे हम एंटिटी बोलते हैं। एक बिजनेस फर्म को जिसका एक अलग अलग नाम होता है उन्हें हम एंटिटीज बोलते हैं। फॉरेन एलपी एक ऐसी एलपी जिसकी फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर हुई है लेकिन उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया में है, चाहे वो फिजिकल मोड में हो या इलेक्ट्रॉनिकली मोड में हो। फाइनेंशियल ईयर हम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ लेके चलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और अगर हमारी एलएलपी आफ्टर 30 सितंबर फॉर्म हुई है तो हम अपना फाइनेंशियल ईयर आफ्टर दैट पर्टिकुलर डेट जब वो इनकॉर्पोरेट हुई है 31 मार्च तक रखते हैं ताकि हमारे यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो एज पर द इनकम टैक्स लॉ। एलएलपी एग्रीमेंट एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनर्स अपने म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज लिखते हैं और कैसे उनकी रिलेशनशिप होगी विद दी दे आर द एजेंट्स ऑफ एलएलपी। ठीक है, नाउ पार्टनर्स कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी का पार्टनर बन सकता है लेकिन इसमें पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज और इंसॉल्वेंट नहीं बन सकते, और ऐसा पर्सन जिसने एप्लीकेशन डाल रखी है इंसॉल्वेंट की बट उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो पार्टनर नहीं बन सकता है। मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए और एलएलपी कोई भी बिजनेस अगर 2 पार्टनर से कम कंडक्ट करती है 6 महीने तक तो उसके आगे जितनी भी ऑब्लिगेशन होगी उसके लिए वो सिंगल पार्टनर पर्सनली लायबल होगा उतने पीरियड के लिए। नाउ सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी आर, सबसे पहले आती है हमारी स्मॉल एलएलपी जो कि डिफाइन है हमारे सेक्शन 5.2 में, कंट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख पार्टनर्स की और टर्नओवर कम से कम 40 लाख के बीच में होना चाहिए या फिर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करें जो कि हमारी मेंशन है एलएलपी एक्ट 2008 में। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए हर एक एलएलपी में, वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए जिसमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए और रेजिडेंट के लिए एटलीस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में स्टे रहना चाहिए। देन इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी एलएलपी की, सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा सबसे पहले पार्टनर्स को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे आरओसी के साथ, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ, कंप्लायंस स्टेटमेंट लगेंगी एडवोकेट की, सीए सीए सीडब्ल्यू की कोई भी, और डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए एलएलपी का, प्रपोज बिजनेस होना चाहिए क्या करेंगे वो बिजनेस, एड्रेस एलएलपी का, नेम एड्रेस ऑफ ईच द पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के एड्रेस, पार्टनर्स के एड्रेस, और आपका आरओसी के पास सर्टिफिकेट फिर 14 दिन के अंदर बनकर आ जाएगा जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर लायबिलिटी हमारी एलएलपी है तो उसके आगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूरा वर्ड लिखना या फिर अक्रोनिम हमें एलएलपी यूज करना पड़ेगा। कोई भी एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं होगी जो कि सीजी की ओपिनियन में अनडिजायरेबल है उसका नाम अगर, या फिर अगर वो नाम किसी और एलएलपी या कंपनी से आइडेंटिकल है तो वो नाम, वो एलएलपी उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं होगी। और अगर हमें अपना नाम चेंज कराना है तो हम चेंज करवा सकते हैं सीजी अगर चाहे तो, वो अगर हम डीले करते हैं तो सीजी अपने हिसाब से हमें नाम अलॉट कर सकती है और हम चाहें तो अपना नाम चेंज कर सकते हैं, बट सेम वी हैव टू इंटीमेट विद इन 15 डेज टू द आरओसी और आरओसी फिर हम वो नाम चेंज करके सीजी का अप्रूवल देके हमें वो नाम चेंज करके दे देगा और 30 दिन के अंदर हमारा नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द चेंज नेम हमें अप्रूव हो जाएगा। देन कैटेस्टिक्स की बात करें तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, म्यूचुअल एजेंसी है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है इसमें, म्यूचुअल एजेंसी सिर्फ पार्टनर्स जो है वो एलएलपी के एजेंट है एक दूसरे के नहीं है, इसमें एग्रीमेंट है, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कॉमन सील यानी कि ऑफिशियल सिग्नेचर है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मैनेजमेंट का डिसीजन होता है इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, यहाँ पे बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही कैरी ऑन हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो सकती है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक अरेंजमेंट होता है रिटन अग्रीमेंट और कन्वर्जन हम कभी भी कर सकते हैं एलएलपी का, डॉक्यूमेंट्स की ई फाइलिंग भी अलाउड है और फॉरेन एलपीज का कॉन्सेप्ट हमने इसमें पढ़ा था। सो दिस वाज अ कैटेस्टिक्स विच वी हैव लर्नड इन आर प्रीवियस वीडियोस। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस होल एक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।